The Rape of the Lock by Alexander Pope. ठीक है, अच्छा जी यहां पे देखिएगा, रेप ऑफ द लॉक बाय अलेक्जेंडर पॉप. अलेक्जेंडर पॉप बोर्न इन कैथोलिक फैमिली, सफर्ड फ्रॉम प्रेजुडाइसेस, एजुकेटेड इन टारफोर्ड. अलेक्जेंडर पॉप जो है वो मूव टू बेनफील्ड इन 1700, सेल्फ टॉट, डिड नथिंग बट रीड एंड राइट. ये कोट जो है बेटा ये अपने नोट्स पे लिख लीजिएगा कि वो सेल्फ टॉट था, डिड नथिंग बट रीड एंड राइट. Suffered from ill death, health, tuberculosis and asthma and head headaches. ठीक है, वो जो है suffered हुआ ill health से, tuberculosis, asthma और headaches. About Alexander Pope देखते हैं, moved to Benfield in 1700, humbagged and deformed. ठीक है, ये इस तरीके से bang humbag हो गया था ये और deform हो गया था ये. यानी कि जिसे कहना चाहिए इसकी जो बॉडी थी वो डी शेप थी और ये हाफली पैरालाइज्ड इंसान था. नेक्स्ट है, पब्लिश्ड एन एसे ऑन क्रिटिसिज्म इन 1711, फर्स्ट स्ट्राइकिंग सक्सेस एज अ पोएट, मेड फ्रेंड्स विद जोनाथन स्विफ्ट एंड जॉन गे. पब्लिश्ड एन अर्ली वर्जन ऑफ रेप ऑफ द लॉक इन 1712, टू कैंटोस. शुरू में स्टार्टिंग में इसने दो कैंटोस पे लिखी थी, लेकिन बाद में इसके जो नेक्स्ट इसका वर्जन आया था उसमें इसके पांच कैंटोस थे. अब इसके अंदर दिखाया क्या गया है, अ फनी बैटल बिटवीन सेक्सेस एंड फॉलीज ऑफ अ यंग लेडी. एक फनी बैटल दिखाई गई बिटवीन मेल एंड फीमेल और फॉलीज ऑफ एक यंग लेडी, यानी कि बेलिंडा की फॉलीज, उसकी बेवकूफियां दिखाई गई. एक्सपेंडेड द रेप ऑफ द लॉक इन 1745, कैंटोस. A quarrel between two families, एक दो families के दरमियान quarrel दिखाई गई. Characters जो हैं उसमें Lord Peter Baron को represent करता है, Miss Arbella former जो है वो Belinda को जो है वो show करती है. Background में देख लेते हैं, John Carroll suggestion to pour poetic oils on the troubled water. वो कहता है कि poetic oils डालो इस troubled waters में. ठीक है, ये John Carroll की suggestion थी. और hope that a little laughter might serve to soothe rougher tempers. और वो ये hope करता है कि शायद एक little laughter जो है वो शायद serve करे to soothe rougher tempers को, कि वो जो है soothe कर दे इन rougher, यानी कि इस गुस्से की आग को वो बुझा दे. शायद एक छोटा सा मजाक, एक little laughter जो है शायद इस गुस्से की आग को जो है वो बुझा दे. ठीक है, तो ये दोनों quotes बेटा add कर दीजिएगा अपने notes में. पॉप्स पर्पस देखते हैं, डोंट वरी अबाउट ट्राइवियल थिंग. पॉप का पर्पस क्या था, कि वो कहता था ये मामूली मामूले झगड़े फसाद जो है इसके बारे में हमें जो है बहुत ज्यादा सीरियस नहीं होना चाहिए. अबाउट अलेक्जेंडर पॉप देखते हैं, ट्रांसलेटेड लाइड एंड ओडिसी इनटू इंग्लिश. उसने ट्रांसलेट किया था ओडिसी और लाइड को इंग्लिश में. द फर्स्ट मैन टू प्रूव लिटरेचर कैन रेज राइटर्स. ये पहला इंसान था जिसने ये प्रूव किया था कि लिटरेचर जो है वो राइटर्स को रेज करती है. बेटा ये कोट इसको नोट डाउन कर लीजिएगा. उसके बाद है, पब्लिश्ड अ डंसिएड इन 1728, बिकेम प्रोफेशनल सटायरिस्ट. वो जो है एक प्रोफेशनल सटायरिस्ट बना. स्लीपलेस देमसेल्व्स टू गिव देयर रीडर्स स्लीप. ठीक है, खुद तो स्लीपलेस थे लेकिन रीडर्स को उन्होंने एक स्लीप दी, यानी कि उनको एक पीस दिया. Died on May 30, 1744, the age of Pop ending. ठीक है, ये Pop के मरने के साथ ही उसकी Pop जो है Pop की जो जिसे कहना चाहिए एज है उसका भी एंड हो गया. नेक्स्ट उस पर चलते हैं. अब यहाँ पे इसकी समरी आउटलाइन है, दैट इज नॉट एज अ होल समरी. ठीक है, ये कुछ आउटलाइन है. ये बेलिंडा है जो कि सोई हुई है और ये ऐसी खातून है जो कि मॉर्निंग में बहुत लेट उठने की आती है. जैसे आजकल की हमारे बच्चे बच्चियां हैं वो कुछ इसी तरह की हैं कि वो जरा लेट ही उठना पसंद करते हैं. इवन जो माएँ भी हैं वो 12 बजे से पहले, 11 बजे से पहले आजकल उठना पसंद नहीं करती. और ये जो है सिर्फ आता है और सिर्फ उसके कान में कुछ बता रहा उसको कि भाई कुछ होने वाला है तो तुम उठ जाओ. ये उसका डॉग है जो कि उसको उठाने की कोशिश कर रहा है. ये बेलिंडा के जूते हैं जो इस तरह से पड़े हुए हैं और उसका पूरा कमरा बिखरा हुआ है. ये आजकल की जो मॉडर्न लड़कियां हैं उनके जो कमरे हैं वो कुछ इसी तरह के होते हैं.
उसके बाद जो है देखते हैं कि बेलिंडा कैंटो वन में क्या होता है. बेटा ये कैंटोस की आउटलाइन है, ये आपने नोट्स में लिखनी है कि सबसे पहले बेलिंडा अवेक्स फ्रॉम स्लीपिंग. कैंटो वन में क्या क्या होता है? ड्रीम ऑफ बेलिंडा, बेलिंडा को एक ड्रीम आता है. बेलिंडा प्रिपेयर्स फॉर द डे सोशल एक्टिविटीज. और बेलिंडा जो है जो कि कोई 12 बजे उठती है तो वो तैयार हो रही है अब अपनी सोशल एक्टिविटीज के लिए. ये जनाब बेलिंडा और वो तैयार हो रही है. कैंटो टू में देखते हैं. कैंटो टू में एक जर्नी स्टार्ट होता है बेलिंडा का और द ट्रेवल ऑन थेम्स रिवर. क्वेश्चन आया हुआ था अभी पीछे पास पेपर्स में के कैंटो वन को सॉरी राइट नोट ऑन कैंटो वन ऑफ रेप ऑफ द लॉक. और उसमें पूरा कैरेक्टर स्केच ऑफ बेलिंडा, बेलिंडा की स्लीप, उसकी ये सारी ये जो आउटलाइन है ना बेटा किसी भी कैंटो के ऊपर नोट आ सकता है. ये तीन आउटलाइंस हैं कैंटो वन की. हो सकता है आपकी दफा में कैंटो टू पे आ जाए, कैंटो थ्री पे आ जाए, कैंटो फाइव पे आ जाए. आपको पता होना चाहिए हर कैंटो की क्या आउटलाइन है. बेलिंडा जागी फ्रॉम स्लीपिंग, ड्रीम ऑफ बेलिंडा. और उसके बाद जो है बेलिंडा जो है वो तैयार होती है फॉर द प्रिपरेशन ऑफ द डे. और इसके अंदर एक्चुअली उसका कैरेक्टर जो है उसका बड़ा खूबसूरती के साथ पॉप ने जो है कैंटो वन में बताया हुआ है कि वो लड़की कैसी है. उसके बाद जो है ट्रेवल दिखाया गया कैंटो टू में, ट्रेवल ऑन थेम्स रिवर, द प्रेयर ऑफ यंग एडवेंचरस बैरन. ठीक है, और प्रेयर जो है एक यंग एडवेंचरस बैरन उसकी दिखाई गई. कैंटो बेटा पोएट पोएम के पार्ट्स को कहा जाता है. ठीक है, जैसे अभी ये कैंटोज में लिखी गई थी तो पोएम्स के पार्ट्स जो हैं उसको कहा जाता है कि अब ये कैंटो वन है. यस, कैंटो मीन सेक्शन. ठीक है, डिवीजन. ठीक हो गया. तो कैंटो जो है वो सेक्शन या डिवीजन को कहा जाता है कि पोएम जो है उसको पांच सेक्शंस के अंदर डिवाइड किया गया है. तो अब आपने बताना है इसके फर्स्ट सेक्शन में, फर्स्ट कैंटो में. इसी तरह ड्रामा के एक्ट्स होते हैं. ठीक है, एक्ट्स भी होते हैं, ड्रामा के सीन्स भी होते हैं. पोएम्स के बाज़ औक़ात पोएम्स कैंटोस में लिखी जाती है, बाज़ औक़ात सीन्स में भी लिखी जाती है. तो ये सब हर उसका होता है पोएम, मतलब राइटर के हिसाब से कि वो डिवीजन कैसे करता है अपने ड्रामा की या कुछ भी वो लिखता है या चैप्टर्स होते हैं या जो भी. तो ये बेसिकली सेक्शंस को बताता है, डिवीजन बताता है. तो सेकंड सेक्शन में ट्रेवल ऑन द थेम्स रिवर, प्रेयर ऑफ यंग एडवेंचरस बैरन. बैरन जो है वो एक प्रेयर करता है, द सेल्फ मिशन टू टेंड द फेयर. अब जो है इधर से बैरन जो है वो उसकी लट काटने को तैयार है और सेल्फ का एक मिशन है कि उन्होंने इस फेयर लेडी की हिफाजत करनी है to protect Belinda. ठीक है, अब वो जो है सेल्फ का मिशन है कि उन्होंने इस फेयर लेडी को प्रोटेक्ट करना है और उनका मिशन यही है कि वो Belinda को प्रोटेक्ट करेंगे और हर हाल में करेंगे. फिर उसके बाद है ब्रिलियंटली द इयर रिंग्स. ठीक है, क्रिस्पिसा द लॉक्स. ठीक है, ब्रिलियंटली जो है वो इयर रिंग्स पे जो है वो बैठता है. ये वहाँ के सेल्स हैं जो उनके नेम्स हैं, ब्रिलियंटली है, क्रिस्पिसा है, एरियल है, मोमेंटिला है. और फिफ्थ चोजन सेल्फ जो था वो पेटीकोट के ऊपर बैठे हुए थे. यानी कि ये पांच किस्म के, बल्कि इससे भी ज्यादा सेल्फ थे, लेकिन ये मोटे मोटे जो सेल्फ हैं जो हवाई मखलूक थी या जो स्पिरिट्स थे, ये उनके नाम है. कि ब्रिलियंटी का काम था कि उन्होंने इस फेयर निम्फ के एयर रिंग्स की प्रोटेक्शन करनी है. क्रिस्पिसा जो है वो लॉक की प्रोटेक्शन करेगा. एरियल जो है वो शौक, यानी कि कुत्ते की, बेलिंडा के कुत्ता जो होता है उसका नाम शौक होता है, बेलिंडा स्लैपडॉग. और मोमेंटला जो होता है वो वॉच की प्रोटेक्शन करता है. और फिफ्थली चोजन सेल्फ जो है वो उसके पेटीकोट की हिफाजत करते हैं. ये जनाब कैंटो टू था जिसमें ये रिवर थेम्स है, फिर एडवेंचरस बैरन है और इन सारों में डिसाइड होता है कि भाई कौन कौन किसकी प्रोटेक्शन, किस किस हिस्से की प्रोटेक्शन करेगा. उसके बाद कैंटो थ्री में हम देखते हैं गेम ऑफ कार्ड्स ओम्बर खेली जाती है, द रेप ऑफ द लॉक. और वो लट जो है ना वो कहीं वहां पे कट जाती है. ठीक है, कैंटो फोर में हम देखते हैं कि बेलिंडास थ्री नेचर मूड एंड अफेक्शन आफ्टर द लॉस ऑफ द लॉक. ठीक है, अब कैंटो फोर के अंदर जाके जब उसकी लॉक कट जाती है तो बेलिंडा के थ्री नेचर मूड्स को देखा जाता है, अफेक्शन देखी जाती है आफ्टर द लॉस ऑफ द लॉक. और अम्ब्रियल द अर्थली नोम जो है वो डिसेंड करता है टू द केव ऑफ स्प्लीन.
ठीक है, वो जो अम्ब्रियल होता है, वो जो अर्थली नोम होता है, वो डिसेंड करता है टू द केव ऑफ स्प्लीन. थेलेस्ट्रिस जो है, स्पीच राउजेस द रेज ऑफ बेलिंडा. थेलेस्ट्रिस की जो स्पीच होती है, वहां पे खातून होती है जो बेलिंडा को बड़ा बताती है कि देखो तुम्हारी तो कुछ ज्यादा ही इंसल्ट हो गई है, तो वो बेलिंडा के रेज को और ज्यादा बढ़ा देती है. एम्ब्रियल भी एक जो है ये स्पिरिट होता है, एक अर्ली नोम होता है. अब हम पढ़ेंगे ये नोम्स क्या थे, ये हमारे सारे कैंटो टू में आएंगे, और वो जो है केव ऑफ स्प्लीन में जाता है. सर प्लूम जो है बिड्स इन वेन द पेमेंट ऑफ द लॉग, और सर प्लूम जो है वो पेमेंट ऑफ लॉग देने में नाकाम रहते हैं. अच्छा जी, उसके बाद है कैंटो फाइव, देखते हैं कि उसमें क्या था. क्लारिसा स्पीच, क्लारिसा की स्पीच जो है वो कैंटो फाइव में, यानी कि अब कहानी जो है एक मोरल लेसन की तरह जाती है इन कैंटो फाइव. और फिर उसके बाद जो है क्लारिसा की स्पीच के फौरन बाद जो है एक बैटल ऑफ बैलीज एंड ब्योक्स. बैलीज कहते हैं कंवारी लड़कियों को और ब्योक्स कहते हैं कंवारे लड़कों को. तो बैलीज बेसिकली जो हाई सोसाइटी की कंवारी लड़कियां होती हैं उनको या खवातीन को, कंवारी भी नहीं बल्कि मैरिड एंड अनमैरिड बोथ दोनों होंगी, खवातीन हाई सोसाइटी की खवातीन और मर्दों को बैलीज एंड ब्योक्स कहा जाता है. उनकी आपस में लड़ाई हो जाती है, जो कि पढ़े लिखे और सिविलाइज्ड जो है वो समझे जाते हैं, उनकी आपस में बैटल हो जाती है. द लॉक राइजेस टू द हेवन, और फाइनली वो जो लॉक होती है, वो जो लट होती है, उसको आसमान पे उठा लिया जाता है और वो एक स्टार बन जाती है. ये जनाब ये लॉक थी और वो स्टार. अब यहाँ पे देखे बेलिंडा की लॉक कुछ तो यहाँ लटकी हुई, यहाँ पे देखे कितनी सारी लॉक्स लगी हुई. अच्छा जी, आगे चलते हैं. अब इसके राइटिंग स्टाइल की तरफ देखते हैं कि इसका राइटिंग स्टाइल क्या है. एपिक है, मॉक एपिक, स्ट्रक्चर, ठीक है, इन तीनों को हम देखते हैं कि किस तरीके से जो है वन बाय वन डिस्कस करते हैं. एपिक क्या होती है, एपिक उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं. अ लॉन्ग नैरेटिव पोएम, एलिवेटेड ग्रैंड स्टाइल, ग्रेट हीरोज एंड हीरोइंस होते हैं उसमें, सेटिंग इज वास्ट इन जियोग्राफिकल रेंज, और सुपर नेचुरल पावर उसके अंदर दिखाई जाती है. फिर उसमें जो है थीम जो है यूजली द एडवेंचर ऑफ हीरो और अ वॉर होती है. इन्वोकेट द म्यूज एड कैलियो, आस्क एपिक क्वेश्चंस, बिगिन विन इन मेडियास रेस, यूज एपिथेट्स एंड सिमिलीज, गॉड इंटरफेरेंस इन ह्यूमन अफेयर्स. मॉक एपिक देखते हैं इसके टोटली ऑपोजिट होती है. अ वर्ल्ड डिजाइन टू रिडिक्यूल attitude, style or subject matter by handling either an elevated subject in a trivial manner or a low subject with mock dignity. Mock epic के अंदर जो है एक work होता है जो कि design किया जाता है ताकि ridicule किया जाए attitudes को, style और subject matter को, by handling either an elevated subject in a trivial manner. एक highly elevated subject को एक trivial manner में handle किया जाता है, और a low subject with mock dignity. और लो सब्जेक्ट जो है या फिर एक लो सब्जेक्ट के तौर पे, मॉक डिग्निटी के तौर पे उसको हैंडल किया जाता है. रेंडर्स आर ट्राइवियल सब्जेक्ट रिडिकुलस बाय ट्रीटिंग इट विद द एलिबरेट, कंपेयर स्मॉल थिंग्स विद समथिंग ग्रेट, एक छोटी सी चीज को बड़ी बड़ी चीजों के साथ कंपेयर किया जाता है. यहाँ पे देखिएगा कि ट्रेडिशनल एपिक कैसी है और रेप ऑफ द लॉग जो है वो मॉक एपिक कैसे है. ट्रेडिशनल एपिक देखिएगा, इनवोक द एड ऑफ म्यूज, ठीक है, जो कैलियोप जो है उसको कॉल किया जाता है, जबकि रेप ऑफ द लॉक में क्या कहा जाता है, सी व्हाट स्ट्रेंज मोटिव गॉडेस कुड कंपेल, बिगिन विद इन मीडियास रेस, यहाँ पे नहीं यूज होता, गॉड्स आर इन्वॉल्व, यहाँ पे गॉड्स की जगह स्पिरिट्स, नॉम्स, निम्फ और ये सब इन्वॉल्व होते हैं. एपिक क्वेश्चंस देख लेते हैं. Among the gods who brought this quarrel on, ठीक है, ये लाइड में कहा गया था कि कौन gods के among the gods जो है ये quarrel जिन्होंने शुरू की है. लेकिन अब हम देखते हैं कि यहाँ पे rape of the lock start ही ऐसे होती है. What dire offense from amorous cause spring, कि ये क्या कोई dire offense हो गया, क्या ऐसा कोई गुनाह हो गया है जो from amorous cause spring, जिसकी वजह से ये कौन सा ऐसा डायर ऑफेंस हो गया है इस एमोरस कॉज की वजह से जो कि स्प्रिंग फूट पड़ा है. यानी कि ये इतना बड़ा फसाद कैसे हो गया, ऐसा क्या गुनाह हो गया कि हमसे इतना बड़ा, मतलब ऐसा क्या गुनाह हो गया जो इतना बड़ा फसाद फूट पड़ा है. बट माइटी कॉन्टेस्ट राइज फ्रॉम ट्राइबल थिंग, और वो ये कौन सा माइटी कॉन्टेस्ट है, ये कौन सी बैटल है
जो कि ये ट्राइवियल मामूली मामूली थिंग से शुरू हो जाती है. बेसिकली ये हमारे एटीट्यूड्स पे बेस करती है ये पूरी रेप ऑफ द लॉ, कि हम इंसान जो है वो बहुत छोटी छोटी बातों को लेके बड़े बड़े फसाद करते हैं. जैसे हम कहते हैं ना बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, तो सेम इज द केस के छोटे छोटे शहरों में भी बड़ी बड़ी बातें होती रहती हैं. तो एक्चुअली यहाँ पे इंसान की नेचर के ऊपर कि इंसान इतना अनापरस्त है कि वो बिल्कुल मामूली ट्राइवियल थिंग्स के ऊपर, ट्राइवियल मैटर्स के ऊपर हम बड़े बड़े फसाद कर देते हैं. और इस तरह के फसादात नॉर्मली हमारी शादियों में जहाँ चार लोग इकट्ठे हो जाए किसी जनाजे पे, किसी चाइल्ड बर्थ के ऊपर, जहाँ बहुत सारे लोग इकट्ठे हो जाते हैं, कोई ना कोई छोटा मोटे डिस्प्यूट से बहुत बड़ा डिस्प्यूट बन जाता है और फैमिलीज हमेशा के लिए आपस में बोलचाल छोड़ देती हैं. सेज व्हाट स्ट्रेंज मोटिव गॉडेस कुड कंपेल अ वेल ब्रेड लॉर्ड टू एक्सर्ट अ जेलिंग. और वो कहता है कि ये कौन सा स्ट्रेंज मोटिव था गॉडेस से वो पूछता है, कुड कंपेल अ वेल ब्रेड, मुझे बताओ गॉडेस ऑफ पोएट्री कि ऐसा क्या हुआ कि एक वेल ब्रेड लॉर्ड, एक पढ़ा लिखा जो लॉर्ड है, एक सिविलाइज्ड लॉर्ड है जिसकी एक अच्छे खासे घराने में परवरिश हुई है, उसने किस तरीके से एक जेंटल बैली, एक कवारी लड़की को, एक अच्छे पढ़े लिखे खानदान की कवारी लड़की को एजॉल्ट कर दिया, उसकी बेइज्जती कर दी. ओ से व्हाट स्ट्रेंजर कॉज येट अनएक्सप्लोर्ड, ओ से यानी कि वो गॉडेस ऑफ पोएट्री से कहता है कि भाई मुझे बताओ जो कि अनएक्सप्लोर्ड है, जो अभी तक मुझे नहीं पता, कुड मेक अ जेंटल वैली रिजेक्ट अ लॉर्ड, कि ऐसा क्या हुआ कि एक जेंटल वैली ने एक लॉर्ड के रिश्ते को ठुकरा दिया. इन टास्क सो बोल्ड कैन लिटिल मैन एंगेज, वो कहते इतने बड़े बड़े टास्क के अंदर ये छोटे छोटे लोग जो एंगेज हुए. एंड इन सॉफ्ट बॉसम्स ड्वेल सच माइटी रेज, और ये छोटे छोटे बॉसम्स हैं, सॉफ्ट बॉसम्स हैं हमारे सीनों में, जो कि इंसान जो है वो खता का पुतला है, वो अंदर से कमजोर है, वो सॉफ्ट है, उसके मौसम में इतने बड़े बड़े माइटी रेंज जो है वो कैसे छुपे हुए हैं, यानी कि गम और गुस्सा इतना ज्यादा क्यों है. होमरिक सेमिली को देखते हैं, एचिलस फास्ट इन बैटल एज अ लायन और हेरा हूज आर्म्स आर वाइट एज आइवरी, यहाँ पे देखते हैं क्विक एज हर आईज, ये बेलिंडा के बारे में, ब्राइट एज द सन, श्रिंक हिज थिन एसेंस लाइक अ रिवील्ड फ्लावर एंड फॉल्स लाइक थंडर ऑन द प्रोस्ट्रेट एज. ठीक है, वो जो है श्रिंक ऐसे, श्रिंक हिज थिन एसेंस लाइक अ रिवील्ड फ्लावर, वो अपना जो एसेंस है वो ऐसे श्रिंक कर लेता है जैसे कोई रिवील्ड फ्लावर होता है, और वो ऐसे थंडर, फॉल थंडर लाइक ऑन द प्रोस्टेट एज, और प्रोस्टेट एज के ऊपर वो ऐसे गिरता है जैसे कोई थंडर एज होता है, मतलब थंडर की तरह गिरता है. मैं होमर एपिथेड में मैन किलर हेक्टर, ठीक है, यहाँ पे वो मैन किलर हेक्टर था, यहाँ पे फेयर निम्फ एंड वेल ड्रेस यूथ अराउंड हर शोन, ठीक है, यहाँ पे वो फेयर निम्फ थी, वेल ड्रेस थी और यूथ अराउंड हर शोन और उसके इर्द-गिर्द जो है यूथ जो है अराउंड हर शोन, यानी कि वो उसको देख रही थी. शार्प आइड हर्मिस, ठीक है, होमरिक एपिथेड है, और यहाँ पे द लॉन्ग कंटेंडेड ऑनर्स ऑफ हर हेड. फिर यहाँ पे बोर्ड हर्लिंग एज यस, और यहाँ पे बेलिंडा का कैरेक्टर दिखाया गया, व्हाई राउंड आवर कोचेस क्राउड द वाइट ग्लव बियॉक्स, कि हमारे ये जो राउंड कोचेस में ये वाइट ग्लव बियॉक्स, जैसे कभी आप मरी में चले जाए ना तो लड़के खड़े हुए होते हैं किनारों में सिर्फ जो है वो लड़कियों को देखने के लिए, तो यहाँ पे भी वो यही कह रहे हैं कि भाई ये क्यों ये कोचेस के इर्द गिर्द ये वाइट ग्लव बियॉक्स कवारे लड़के जो है जाके खड़े हो जाते हैं, और वो कोचेस किसकी होती है, वो लड़कियों की होती है. स्ट्रक्चर देखते हैं, हीरोइक कॉपलेट है, राइम्ड इन वेरी टू लाइंस, इयामिक पेंटामीटर है, 10 सिलेबल्स इन ईच लाइन, अल्टरनेट विद स्ट्रेस्ड एंड अनस्ट्रेस्ड सिलेबल्स. उसके बाद देखते हैं जर्नी टू द अंडरवर्ल्ड, ठीक है, मोक एपिक के अंदर जर्नी टू अंडरवर्ल्ड दिखाया जाता है, यहाँ पे जर्नी टू अंडरवर्ल्ड कहाँ है, केव ऑफ स्प्लीन में वो जाता है, नॉर्म जो होता है इल नेचर ऑफ फीमेल हाइपोकॉन्ड्रियक्स, ठीक है, और यहाँ पे फीमेल की इल नेचर दिखाई जाती है, लेट्स सी हम जाके देखेंगे कि हमारे भी सरों में ऐसे दर्द होता है कि नहीं होता जब हम केव ऑफ स्प्लीन में जाएंगे, जब हम रेप ऑफ द लॉक का टेक्स्ट पढ़ेंगे. फिर है सेक्रीफाइस ऑफरिंग टू गॉड्स बिफोर एन इम्पॉर्टेंट वॉर और जर्नी, ये तो हम देखते हैं कि एपिक के अंदर सेक्रीफाइस दिखाया जाता है कि ऑफर टू गॉड होता है, और यहाँ पे देखते हैं बैरन सेक्रीफाइस हिज फॉर्मर लव टोकन, और बैरन जो है सेक्रीफाइस कर देता है अपनी पुरानी जो उसकी महबूबा होती है
बलिंडा की खातिर वो अपनी फॉर्मर लव टोकन यानी कि उसके सारे लव लेटर्स जला देता है. किसके लव लेटर्स जलाता है? अपनी पुरानी महबूबा के. एपिक के अंदर बैटल होती है और यहाँ पे देखते हैं बैटल, वो बैटल जरा और वाली बैटल होती है. यहाँ पे क्लिचेस, ठीक है सॉरी क्लिचेस, हमारे जो क्लिच आपको पता ही है जिसको हम पाकिस्तान में क्लचेस कहते हैं, ये वही क्लिचेस हैं. ठीक है फ्राउन्स यानी कि अपने बैग्स के साथ, और फ्राउन्स एंड एंग्री ग्लैंसेस ना फेड वॉटकिंस, वॉटकिंस हेयरपिंस को कहा जाता है. स्लो स्पोक द डेम, इस तरीके से वो डेम जो है लेडी जो है वो बात करती है. द कार्ड गेम ओम्बर जो है वो भी एक बैटल फील्ड शो करती है. रेप ऑफ फीमेल चैस्टिटी, यहाँ पे रेप ऑफ द लॉक ऑफ द हेयर जो है वो दिखाया गया है. अच्छा जी, ये बेटा आपका आज का जो लेसन है दैट हैज बीन एंडेड. और यहाँ तक अब अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो